नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल पे दोस्तों मैं हूं कुंदन जायसवाल और हमेशा की तरह आज भी मैं आपके साथ करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि आपके लिए आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स का सेक्शन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो हम उसी सेक्शन को और मजबूत बनाने के लिए रोज सुबह साढ़े बजे आपके साथ जो है हम करेंट अफेयर्स पे चर्चा करते हैं आप कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को हर दिन देखें और जो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है उसे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख ले तो दोस्तों हम बिना देर किए आज के करेंट अफेयर्स वाले सेक्शन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सो हमारा आज का पहला सवाल है कोका कोला ने लिम्का स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय एथलीट के साथ करार किया है कोका कोला हैज टाइड अप विथ विच इंडियन एथलीट टू प्रमोट लिमका स्पोर्ट्स हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा ऑप्शन बी पीवी सिंधु ऑप्शन सी दूती चंद या ऑप्शन डी एम श्री शंकर बात हो रही है यहाँ पे कोका कोला की एक ब्रांड लिमका स्पोर्ट्स की इसी को प्रमोट करने के लिए हाल ही में इन्होंने एक एथलीट के साथ करार किया है आपको बताना है कि किस एथलीट के साथ ये करार किया गया है चलिए सही जवाब देखते हैं सही जवाब है ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा जी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के साथ कोका कोला ने लिम्का स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए यह करार किया है और लिम्का स्पोर्ट जो है ये कोको कोला का एक प्रोडक्शन है जो कि एक सॉफ्ट ड्रिंक है जो आप अपने आम दिनों में इसे जरूर पीते होंगे तो कोका कोला की एक जो है प्रोडक्ट है लिम्का स्पोर्ट्स उसी के प्रमोशन के लिए अभी हाल ही में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा के साथ जो है वो एक साइन किया गया है नीरज चोपड़ा के बारे में अगर आपको हम बता दें तो अभी अभी इन्होंने हाल ही में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में तो गोल्ड मेडल जीता ही था और अभी जाके जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और इस मेडल को जीतने वाले ये पहले भारतीय भी बन गए हैं ठीक है लेकिन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ही इनके खेल के दौरान इन्हें चोट लगने के कारण अभी जो बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन किया गया है उसमें ये नहीं खेल पाए हैं आगे बढ़ते हैं देखते हमारा अगला सवाल किस भारतीय संस्थान ने भारत में पहली बार संक्रमित रोगियों से पॉक्स वायरस स्ट्रेन को सफलतापूर्वक अलग किया है विच इंडियन इंस्टीट्यूट वायरस स्ट्रेन फ्रॉम इंफेक्टेड पेशेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए अखिल भारतीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान ऑप्शन बी भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र ऑप्शन सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी या ऑप्शन डी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स जी अभी हाल ही में इनमें से एक इंस्टीट्यूट ने भारत में पहली बार संक्रमित रोगी से मंकी पॉक्स वायरस का स्ट्रेन अलग किया है यानी एक रोगी को जो है चुना गया है जिसे मंकी पॉक्स जो है हो रखा था उसके मंकी पॉक्स वायरस स्ट्रेन को उस रोगी से अलग कर दिया गया है तो आपको बताना है कि किस जो है भारतीय संस्थान के द्वारा यह किया गया है चलिए सही जवाब देखते हैं सही जवाब है ऑप्शन सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे में सिचुएटेड है इस अनुसंधान संस्थान के द्वारा ये कारनामा किया गया है यानी इन्होंने अभी हाल ही में मंकी पॉक्स वायरस के स्ट्रेन को इन्होंने एक पेशेंट से आइसोलेट कर लिया है ठीक है और अगर हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की बात कर ले तो ये आईसीएमआर के अंदर में ही वर्क करता है यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ठीक है और अगर मंकी पॉक्स की बात कर लें तो अभी हाल ही में डब्ल्यू एच ओ के द्वारा जो है इसे जो है इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है और मंकी पॉक्स धीरे धीरे पूरी दुनिया में भी पांव पसार रहा है इसके कुछ जो है सिम्टम्स भी हैं जैसे फीवर आना स्किन रैसेस होना और भी बहुत सारे सिम्टम्स जो है मंकी पॉक्स के बताए जा रहे हैं आगे बढ़ते हैं देखते हमारा अगला सवाल चार बार के विश्व चैंपियन सेविस्टियन वेटेल ने सेवानिर्वृति की घोषणा की है वह एक डैश है फोर टाइम वर्ल्ड चैंपियन वेटेल अनाउंस्ड रिटायरमेंट ही इज अ डैश हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए एफ रेस ड्राइवर ऑप्शन बी भारोतुलक यानी कि वेटलिफ्टर ऑप्शन सी स्क्वैश प्लेयर या ऑप्शन डी फुटबॉलर तो सही जवाब देखते हैं सही जवाब है ऑप्शन ए एफ रेस ड्राइवर जी नाम याद रखिए नाम है सेवेस्टियन विटेल और ये फॉर्मूला वन के जो है एक रेस ड्राइवर है इन्होंने अभी हाल ही में अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी है और इन्होंने बताया है कि 2022 का जो सीजन का एंड होगा उसके बाद ये जो है रिटायर ले लेंगे और ये जर्मनी के मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग ड्राइवर है और इनके नाम जो है काफी सारे चैंपियनशिप के ये विजेता भी रह चुके हैं जैसे अगर हम बात कर ले फार्मूला वन के 2010, 2011, 2012 हजार और 2013 के तो इस सीजन के ये विजेता रह चुके हैं और इस सीजन में जब जब ये विजेता बने हैं तब ये रेडबुल के तरफ से ये टीम में इन्होंने हिस्सा लिया है ठीक है और अगर जो है इनकी जो है थोड़ी और चर्चा कर ली जाए तो अभी मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग की जो रैंकिंग है उसमें ये नंबर थ्री रैंकिंग पे अभी बने हुए है। आगे हैं आगे बढ़ते हैं देखते हैं हमारा अगला सवाल राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय टीम के सबसे कम उम्र का सदस्य कौन बन गया है हु हैज बिकम द यंगस्ट मेंबर ऑफ इंडियाज कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 स्क्वाड हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए रवि कुमार दहिया ऑप्शन बी अंशु मलिक ऑप्शन सी दिव्या काकरन या ऑप्शन डी अनाहत सिंह जी सही जवाब देख लेते हैं सही जवाब है ऑप्शन डी अनाहत सिंह जी अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स का जो आयोजन किया जा रहा है उसमें भारतीय टीम जितने भी हिस्सा ले रही है सबसे कम उम्र की खिलाड़ी की बात करें तो वो अनाहत सिंह ही है यानी ये एक बैडमिंटन की खिलाड़ी है और इनकी उम्र अभी जो है मात्र 14 ईयर है और ये खिलाड़ी भारत की ओर से कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है ठीक है अगर इनके हम जो है नेटिव प्लेस की बात कर ले तो ये दिल्ली से बिलोंग करती हैं और अभी ये क्लास नाइन की स्टूडेंट है इनके नाम कई सारे जो है खिताब भी रह चुके हैं जैसे कि इन्होंने अभी तक 40 नेशनल टाइटल्स जो है इनके नाम रह चुके हैं यानी इन्होंने नेशनल गेम्स स्क्वायर्स में भी इन्होंने जीत रखा है और अगर हम इनकी अंडर 15 जो है कैटेगरी में इनकी रैंकिंग की बात कर लें तो भारत में और एशिया में दोनों में इनकी रैंकिंग जो है वो वन है आगे बढ़ते हैं देखते हमारा हैं अगला सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौवालीसवें शतरंज ओलंपियाड के उद्घाटन की घोषणा कहां की है वेयर एज इनोग्रेशन ऑफ फोर्टी फोर्थ चेस ओलंपियाड बीन अनाउंसड बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए, उप्षयन ए न्यू दिल्ली ऑप्शन बी चेन्नई ऑप्शन सी गांधीनगर या ऑप्शन डी कोची तो सही जवाब देखते हैं सही जवाब है ऑप्शन बी चेन्नई जी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में चेन्नई में चौवालीसवें शतरंज ओलंपियाड के उद्घाटन की इन्होंने घोषणा की है और ये चेन्नई के जे एल एन इंडोर स्टेडियम इस में इसकी जो है उद्घाटन की गई है और इससे पहले जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से 19 जून को इन्होंने पहला भारत का पहला चेस ओलंपियाड का जो है इन्होंने इनोग्रेशन किया था और अगर हम फोर्टी चेस ओलंपियाड की अगर बात कर ले तो ये 28 जुलाई से शुरू हो गई है और ये 10 अगस्त तक चलेगी इसमें 187 कंट्रीज ने रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं और भारत में होने वाला ये पहला चेस ओलंपियाड है ठीक है यानी कि यहां पे भी एक नया जो है इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है कि ये जो चेस ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है यह पहली बार भारत में किया जा रहा है आगे बढ़ते हैं देखते हैं हमारा अगला सवाल निम्नलिखित में से किस दिन वैश्विक बाघ दिवस 2022 मनाया गया है ऑन विच ऑफ द्लोबल टाइगर डे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हैज बीन सेलिब्रेटेड हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए छब्बीस जुलाई ऑप्शन बी सत्ताईस जुलाई ऑप्शन सी उनतीस जुलाई या ऑप्शन डी तीस जुलाई तो सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि ट्वेंटी नाइन जुलाई जी भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में ग्लोबल टाइगर डे 2022 जो मनाया गया है वो ट्वेंटी नाइन जुलाई को मनाया गया है और ये हर साल ट्वेंटी नाइन जुलाई को ही पूरे विश्व में मनाया जाता है बेसिकली इसको मनाने के पीछे यही रीजन है कि लोगों को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अवेयर करना या किसी भी गवर्नमेंट किसी भी देश के गवर्नमेंट को अवेयर करना कि हमारे देश के लिए या आपके देश के लिए टाइगर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर टाइगर का पॉपुलेशन अगर बिगड़ता है तो आपके जो भी फूड साइकिल है उसके जो है आ, काफी जो है डिसबैलेंस होने का उसमें खतरा बना रहेगा जिसके कारण लोगों से कंपनी से और गवर्नमेंट से यह अपील किया जाता है इस दिन कि किसी तरह जो है टाइगर के पॉपुलेशन को सेव किया जाए ठीक है अगर हम इसकी शुरुआत की बात कर लें तो इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी एक समिट का आयोजन किया गया था टाइगर के लिए इस समिट का नाम है इंटरनेशनल टाइगर समिट और इसका आयोजन जो है रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में किया गया था और तब से यह डिसीजन लिया गया कि 29 जुलाई को हर साल जो है पूरे विश्व में इंटरनेशनल टाइगर डे या ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाएगा ठीक है अगर हम भारत में टाइगर की जनसंख्या की बात कर ले तो भारत में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है यहां पे 2010 में जो पॉपुलेशन थे टाइगर के और अब जो पॉपुलेशन है उसमें दोगुनी बढ़ोतरी देखी गई है आगे बढ़ते हैं देखते हमारा अगला सवाल भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत आई विक्रांत भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है इस स्वदेशी विमानवाहक पोत का निर्माण किस शिप द्वारा किया गया है इंडिया कैरियर आई हैंडेड ओवर टू द इंडियन नेवी दिस इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर हैिप यार्ड हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए सी ब्लू शिप कोची ऑप्शन बी कोचिन सीप लिमिटेड या ऑप्शन सी हिंदुस्तान सीप लिमिटेड विशाखापट्टनम या ऑप्शन डी मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई यानी कि अभी हाल ही में भारतीय नौसेना को आईएनएस विक्रांत सौंप दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इस जो है आईएनएस विक्रांत का निर्माण किस भारतीय सीप के द्वारा किया गया है सही जवाब है ऑप्शन बी कोचिंग सीप लिमिटेड जी इस आई विक्रांत का जो निर्माण किया गया है वो कोचिन सिप लिमिटेड के द्वारा किया गया है अगर हम इस जो आई विक्रांत है इसकी बात कर ले तो इसे जो है इंडियन नेवी के इन हाउस डायरेक्टर ऑफ नॉवल डिजाइन के द्वारा जो है डिजाइन किया गया है और इसे जो है अभी आने वाले पंद्रह अगस्त को जो है वो इंडियन नेवी में कमीशन किया जाएगा अभी इसे जो है सिर्फ सौंपा गया है लेकिन अगर इसकी कमीशन की बात करें तो इसे पंद्रह अगस्त को कमीशन किया जाएगा और इसका जो नाम दिया गया है आईएनएस विक्रांत वो हमारे भारत देश के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम पे इसका नाम आईएनएस विक्रांत रखा गया है ठीक है यानि कि हमारे भारत देश का जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था उसका भी नाम था आईएनएस विक्रांत और ये इसका न्यू मॉड्यूल है जो अभी हाल ही में जो है कोचिंग सिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है इसे बनाया गया है यानी मॉडिफाई किया गया है ठीक है और अगर हम पुराने वाले आईएनएस विक्रांत की बात कर ले तो उसे 1997 में डी कर दिया गया था यानी इसे सेवा मुक्त कर दिया गया था और इस आईएनएस विक्रांत ने नाइनटीन के वार में इसने काफी अहम भूमिका निभाई थी ठीक है और अगर हम बात कर ले कि अभी जो आईएनएस विक्रांत जो सौंपा गया है इंडियन नेवी को इसे जो है वेस्टर्न नवल कमांड को जो है सौंपा गया है यानी कि इसे जो है वेस्टर्न नवल कमांड के द्वारा जो है वो कमीशन किया जाएगा आने वाले पंद्रह अगस्त को आगे बढ़ते हैं देखते हमारा अगला सवाल 2024 पेरिस ओलंपिक का आधिकारिक नारा क्या रखा गया है वट इज दी ऑफिशियल स्लोगन ऑफ 2024 थाउजेंड ट्वेंटी फोर पेरिस ओलंपिक्स जी अभी पेरिस ओलंपिक्स दो हजार बाईस के स्लोगन का अनाउंसमेंट कर दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इस स्लोगन का क्या नारा मतलब पेरिस ओलंपिक्स का नारा क्या रखा गया है हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर ऑप्शन बी गेम्स वाइड ओपन ऑप्शन सी द चेयरफुल गेम्स या ऑप्शन डी आई कॉल द यूथी वर्ल्ड सही जवाब है ऑप्शन बी गेम्स वाइड ओपन जी पेरिस ओलंपिक्स 2024 याद रखिएगा ये 2020 यानी टोकियो ओलंपिक्स की बात नहीं हो रही है ये 2024 यानी कि पेरिस ओलंपिक्स की बात हो रही है और इसका जो अभी आधिकारिक नारा यानी कि जो ऑफिशियल स्लोगन जो घोषणा किया गया है वो है गेम्स वाइड ओपन ठीक है और अगर हम जो है इस ओलंपिक्स की बात कर लें तो पेरिस में इससे पहले जो है दो बार ओलंपिक्स का आयोजन किए जा चुके हैं पहली बार 1900 में इसके आयोजन किए गए थे पेरिस में दूसरी बार 1924 में किए गए थे और अभी जाके 2024 में जो है और जो ओलंपिक्स होंगे वो पेरिस में होंगे ठीक है और अगर हम पेरिस ओलंपिक्स की बात कर ले कि कब से इसकी शुरुआत होने वाली है तो वो छब्बीस जुलाई से लेकर ग्यारह अगस्त तक ये ओलंपिक चलेंगे आगे बढ़ते हैं देखते हमारा अगला सवाल वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है Who has been with the distinguished for 2021 award? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए, ए जेफरी आर्म स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बी प्रोफेसर जियो ली ऑप्शन सी प्रोफेसर वर्नर मेन्सकी या ऑप्शन डी प्रोफेसर यू लॉन्ग यू तो सही जवाब है ऑप्शन ए, उप्षन ए जेफरी आर्मस्ट्रॉ जी डिस्टिंग से जो है सम्मानित किया गया है किसे जेफरी को और जेफरी आर्म स्ट्रॉन्ग एक कैनेडियन स्कॉलर है यानी कि ये कैनेडा के एक विद्वान माने जाते हैं और इनकी जो एक आ, मतलब आ, ये एक वैदिक एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स के फाउंडर भी हैं और इनके जो है अपने रचना और इनके कार्य के लिए अभी हाल ही में जो है इस अवार्ड से इन्हें जो है भारतीय इंडियन कंसल्टेंट वैंकूवर में है यानी कि उनका नाम है मनीष उनके द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है और अगर इस अवार्ड की बात कर ले तो इस अवार्ड को सबसे पहले 2015 में इस इंस्टीट्यूट किया गया था और उस समय के जो तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति थे उनके द्वारा इस इस अवार्ड की घोषणा की गई थी आगे बढ़ते हैं देखते हमारा हैं अगला सवाल विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2022 का विषय क्या है वॉट इज दीम ऑफ वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे टू था टू हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए ओनली वन अर्थ ऑप्शन बी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लेनेट ऑप्शन सी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन ऑप्शन डी बीट एयर पॉल्यूशन तो सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लेनेट जी ये इस साल के वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे का थीम है और वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे हर साल 28 जुलाई को जो है मनाया जाता है और बेसिकली इसे मनाने के पीछे एक ही मकसद है कि लोगों को इसके इम्पोर्टेंस और नेचुरल रिसोर्सेस के प्रोटेक्शन के बारे में अवेयर करें यानी कि लोग हमारे जो भी नेचर के नेचर ने जो भी कंजर्व किया है एयर वाटर मिनरल्स ये सारे कंजर्वेशन के बारे में लोगों को अवेयर किया जाए और वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और हमारे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी कितना इम्पोर्टेंट है उसी के कंजर्वेशन के लिए हर साल जो है 28 जुलाई को नेचर कंजर्वेशन डे पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए अगर आप और भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं चाहे किसी भी फॉर्म में डिटेल के फॉर्म में ऑनलाइनर के फॉर्म में वीकली के फॉर्म में या न्यूज एनालिसिस के फॉर्म में तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट सरकारी परीक्षा पे विजिट करें अगर आप किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं चाहे वो फेसबुक टेलीग्राम ट्विटर हो तो आप वहां भी हमसे जुड़ सकते हैं हम वहां भी अवेलेबल है आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो पढ़ते रहिए और अपनी एग्जाम की तैयारी को और मजबूत बनाते रहिए है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार